कि राम राज विश्व में आदर्श हो गया, कि राज तिलक राम का जब सहर्ष हो गया। ये सब बातें ध्यान में रखते हुए कहना है कि अब यहां से सीता को वनवास। ए भैया, सीता का वनवास आप अब सुनेंगे। आप ध्यान दें, कहना है कि रावण को मार करके जब श्री राम आ गए, रावण को मार करके जब श्री राम आ गए, 14 बरस के बाद अवध धाम आ गए, राज तिलक राम का सहर्ष हो गया, राम राज विश्व में आदर्श हो गया। एक बार ये विचार उठा राम के मन में, बैठे सभा में सभी थे अभिराम मगन में, मंत्री से बोले स्वामी समाचार सुनाओ, प्रजा को कोई कष्ट हो तो शीघ्र बताओ। सुन कर के बोला स्वामी प्रभु ध्यान दीजिए, उस धोबी धोबन के शब्दों पर ध्यान कीजिए, ये राज्य सारा हर तरह आबाद हो रहा, ये राज्य सारा हर तरह आबाद हो रहा, पर आपके प्रति प्रजा में अपवाद हो रहा। सुन कर के बात विजय की प्रभु आ गए पल में, सुन कर के बात विजय की, सुन कर के बात विजय की प्रभु आ गए पल में, सुन कर के बात विजय की प्रभु आ गए पल में, एक घटना और घट गई के कई के महल में, एक घटना और घट गई के कई के महल में, एक घटना और घट गई के कई के महल में, सुनकर के बात विजय की प्रभु आ गए पल में, एक घटना और घट गई के कई के महल में, महल में। तो कहना पड़ा रावण का अंकित चित्र, जब रावण का अंकित चित्र जब देखा दीवाल पर, रावण का अंकित चित्र जब देखा दीवार पर, तो दिल में शंका आ गई के कई की चाल पर, तो के कई आ गई के कई की चाल पर, तो दिल में शंका आ गई के कई की चाल पर। हे भैया, तो यहाँ पर एक बात कहना होती है आप ध्यान दें, रावण का अंकित चित्र जब देखा दीवार पर, तो दिल में शंका आ गई के कई के चाल पर, बोले हैं करुणा धाम चित्र किसने बनाया, बोली है करुणा धाम चित्र किसने बनाया। ए भैया, इस प्रकार वो चित्र जो था, मैं आपको थोड़ी सी ये कल्पना कर रहा हूं, आप ध्यान दें, हो के चित्र है किसका ये चित्र, चित्र से ज्यादा भी चित्र, वो चित्र, हाँ मास्टर साहब, आराम आराम, वो चित्र जो दीवार पर बना हुआ था आप ध्यान में, रावण का चित्र है किसका ये चित्र, चित्र से ज्यादा भी चित्र, के चित्रकार की ये चित्रकारी है, चित्र है किसका ये चित्र, चित्र से ज्यादा भी चित्र, के चित्रकार की ये चित्रकारी है, चित्रलेखा की चमके चमत्कारी है, चित्रलेखा की चमके चमत्कारी है। चित्र है जिसका ये चित्र, वीर था बड़ा विचित्र, ध्यान में,
के चित्र है जिसका ये चित्र वीर था बड़ा विचित्र के चित्र के चरित्र की चर्चा चहुआरी है के बीस बाहे कटी बारी बारी है बाहे कहना है चटक चितवन से लगता चकोर है वो चित्र जो अंकित था दीवार पर के चटक चितवन से लगता चकोर है चुराया सिया को चट बड़ा चोर है चाक से चित्र खींचा जब चौकोर है चरण चतुर ने रची रचना घोर है के चंद्रहास चिकुर चित्र चित्र देखते हैं मित्र के चंद्रहास चिकुर चित्र चित्र देखते हैं मित्र चित्र की पवित्रता करारी है चित्र की पवित्रता करारी है के चित्र लेखा की चमके चमत्कारी है चित्र लेखा की चमके चमत्कारी है के चटक रंग चढ़ा चित्र में थी चेतना चित्र के बारे में चित्रकार चेतना चित्र देख मित्र होना तुम अचेतना के चित्र चूर हुआ हो वे कब सचेतना चित्र था तमंग चित्र चित्र में अंग मित्र के चित्र था तमंग चित्र चित्र में अंग मित्र संग बहु रंग बनी धारी है संग बहु रंग बनी धारी है के चित्र लेखा की चमके चमत्कारी है चित्र लेखा की चमके चमक चंद्रमासी चमके चमकदार है चोर चंचल चातुर का समाचार है। वैसे ये गीत जो मैं गा रहा हूँ आप ध्यान दे रहे हैं इसमें थोड़ी सी बात और भी बड़ी हुई है लेकिन जो कहानी शुरू हुई है आप उस कहानी पर ध्यान रखें। चमक चंद्रमासी चमके चमकदार है चोर चंचल चातुर का समाचार है चहुं ओर चौकस प्रचार है चक्कर चक्र सा चला ये व्यापार है के चंदन बदन रामचंद्र जी ने किया इसका निधन धन धन रघुनंदन रतन धनुआ धारी है। कहना है के चंदन बदन रामचंद्र जी ने किया इसका निधन के धन धन रघुनंदन रतन धनुआ धारी है के चमन में मही के जिनकी फुलवारी है चमन में मही के जिनकी फुलवारी है चमन में ए भैया इस प्रकार मैंने ये जो आपको चित्र की चर्चा सुनाई है आप ध्यान दें ये वही चित्र है जिस चित्र के बारे में अभी चर्चा चल रही है बराबर आप ध्यान दें। कहना पड़ा क्या कहना पड़ा क्या कहना पड़ा बतलाते हैं कि रावण का अंकित चित्र जब देखा दीवार पर भगवान राम ने तो दिल में शंका आ गई के कई की चाल यही वो चित्र है तो बोले है करुणा धाम चित्र किसने बनाया करुणा धाम चित्र किसने बनाया बोली तुरंत के कई के सीता जी ने बनाया सुन करके ऐसी बानी राम सोचने लगे 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 आकर के तभी सीता जी से पूछने लगे आकर के तभी सीता जी से पूछने लगे आकर के तभी सीता जी से आकर के तभी सीता जी से पूछने लगे भैया जब भगवान राम ने सीता जी से पूछा तो उस समय
तो सीता ने बताया दोष लग रहा झूठा। ए प्रभु तो सीता ने बताया दोष लग रहा झूठा, मैंने तो बनाया था सिर्फ एक अंगूठा। अंगूठा इस चित्र में सीता ने बताया के दोष लग रहा झूठा, मैंने तो बनाया था सिर्फ एक अंगूठा। तब मर्यादा पति राम उसके प्रतिशोध में बुलवाया लखन लाल को और बोले क्रोध में, सौगंध मेरी आपको विश्वास दे दिया। सौगंध मेरी आपको है लक्ष्मण, भगवान राम ने कहा कि सौगंध मेरी आपको विश्वास दे दिया। सौगंध मेरी आपको विश्वास दे दिया, जग जननी जानकी को वनवास दे दिया। जग जननी जानकी को वनवास दे दिया, जग जननी जानकी को वनवास दे दिया, जग जननी जानकी को वनवास दे दिया। भैया सौगंध मेरी आपको विश्वास दे दिया, जग जननी जानकी को वनवास दे दिया और कहा ले जाओ लखनलाल इसे त्याग कर वन में, एक भुजा काट लाओगे जब मेरे भवन। आज्ञा स्वीकार करके वो तत्काल चल दिए, आज्ञा स्वीकार करके वो तत्काल चल दिए, सीता को लेकर साथ लखनलाल चल दिए, सीता को लेकर साथ लखनलाल चल दिए, सीता को लेकर साथ लखनलाल चल दिए। तब जब भगवान राम का आदेश पाकर लखनलाल चल दिए, सीता भाभी को लेकर माँ समान सीता भाभी को लेकर चल दिए, लक्ष्मण ने रोका रथ तुरंत रथ वन में जब आया, स्वामी का समाचार सारा शीघ्र सुनाया और सीता को वहीं त्याग कर बेजार हो गए। सीता को त्याग कर वहीं बेजार हो गए, सीता को त्याग कर वहीं बेजार हो गए। भुजा का कर विचार फिर लाचार हो गए, भुजा का कर विचार फिर लाचार हो गए। ए भैया भगवान राम का आदेश है, लक्ष्मण ने सोचा कि अगर भैया की बात का उल्लंघन करता हूँ, आज्ञा का पालन नहीं करता हूँ तो बड़ा ही अनर्थ होगा। चूंकि उन्होंने एक भावज की यानी सीता जी की भुजा काट कर मंगवाई है, अगर भुजा नहीं काटता हूँ तो भैया की आज्ञा का उल्लंघन होता है, और अगर भुजा भी मैं काटता हूँ तो माँ समान भाभी हैं, ऐसी ममता इतना प्यार दुलार मेरी भाभी जो माँ समान है इन्होंने मुझे दिया है, तो भुजा काटूं तो कैसे काटूं। कसमकस में ऐसे फंस जाते हैं लखनलाल, तो उस समय मन में विचार करते हैं, बतलाते हैं, हृदय द्रवित दुख से हुआ सीता को त्याग कर वापस वहीं से आ गए फिर तमसा नदी पर। ए भैया बेचैन दिल में हो रहे ये सोच सोच कर, ना शक्ल मैं दिखाऊंगा अब देश को जाकर, ममता के मात्र मोह में ना वचन निभाया, प्राण मैं भी त्याग दूं ये मन मेरे भाया। ठीक है अगरचे मैं भाभी की भुजा नहीं काटता हूँ और भैया की बात को भी रखता हूँ, तो ना ही मैं भुजा काटूंगा और ना ही मैं वापस अयोध्या जाऊंगा, मैं यहीं पर अपने ही प्राण त्याग दूंगा, ऐसा मन में विचार किया लक्ष्मण जी ने। लक्ष्मण लकड़ियां ढूंढते फिर रहे वन में, चिंता की चिंता ए भैया चिता की चिंता में चिंतित चुभती चुभन में। तब सोचा उधर ब्रह्मा ने ये अनर्थ हो रहा, सोचा उधर ब्रह्मा ने ये अनर्थ हो रहा, के व्यर्थ व्यथा में व्यथित ये व्यर्थ हो रहा। ब्रह्मा ने विश्वकर्मा को तत्काल बुलाया, बोले के जल्दी जाओ सारा हाल। तब पाकर के तब आदेश अपना भेष बदल कर,
भैया इधर। ब्रह्मा जी ने जब जाना कि लक्ष्मण जी अगर से अपने प्राण त्याग देंगे तो बड़ा ही अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि अभी तो बहुत ही कुछ लीला बाकी है। इसलिए उन्होंने विश्वकर्मा देवता को तुरंत ऑर्डर दिया कि जाओ लक्ष्मण का दुख दूर करो। तब आकर के तवा दे अपना भेष बदल कर, आकर के तवा दे अपना भेष बदल कर, आकर के बोले लखन से क्या तुमको है फिकर, आकर के बोले लखन से क्या तुमको है फिकर, आकर के बोले लखन से क्या तुमको है फिकर, आकर के बोले लखन से क्या तुमको है फिकर। भैया सुन करके उनकी बानी, सुन करके उनकी बानी, विश्वकर्मा की सुनकर के बानी लखनलाल कहने लगे के सुनकर के उनकी बानी नैनों से आंसू बहने लगे और लकड़हारे से लक्ष्मण फिर इस तरह कहने लगे। क्या कहने लगे? लगे कि अब कैसा जीना, ए भैया अब कैसा जीना लागे ये जीना, जीना जीना भाई, अब कैसा जीना लागे ये जीना, जीना जीना भाई, अब कैसा जीना लागे ये जीना। चाहूं मेरी मर्जी ना, जीना चाहूं मेरी मर्जी ना, जीना चाहूं मेरी मर्जी ना। लक्ष्मण जी ने कहा कि जीना चाहूं मेरी मर्जी ना, जीवन ये जल जाए, अब कैसा जीना लागे ये जीना, जीना जीना भाई, अब कैसा जीना लागे ये जीना, जीना जीना भाई। लाऊं लकड़ियां चिता सजाऊं, जल के चिता में जान गवाऊं, जल के चिता में जान गवाऊं, चिता में जान गवाऊं, चित चिंता में चिंतित चेहरा, ए भैया कहना है चित चिंता में चिंतित चेहरा, चितवन चैन चुराए, अब कैसा जीना लागे ये जीना, जीना जीना भाई, अब कैसा जीना लागे ये जीना, जीना जीना भाई। विश्वकर्मा देवता से फिर कहा लक्ष्मण जी ने के भैया प्रभु का वचन मैं कैसे निभाऊं, काट भुजा को कैसे ले जाऊं, काट भुजा को कैसे ले जाऊं, काट भुजा को कैसे ले जाऊं, त्याग सिया को निर्जन वन में, कहना है के त्याग सिया को निर्जन वन में, गम के बादल छाए, अब कैसा जीना लागे ये जीना, जीना जीना भाई, अब कैसा जीना लागे ये जीना, जीना जीना भाई। तब उस समय विश्वकर्मा देवता ने क्या किया, क्या किया? लक्ष्मण जी की दुख भरी दास्तां को सुनकर लहू से लतो पत भुजा बना कर दे दी लखन को, देखो वहीं पर दे दी लखन को, देखो लेके भुजा जब आए अवध में, लेके भुजा जब आए अवध में, लक्ष्मण जी लेके भुजा जब आए अवध में, रघुवर गले लगाए, अब
सारी प्रजा को। जब लक्ष्मण जी लाए भुजा तो भगवान राम ने ऑर्डर दिया कि लक्ष्मण सारी प्रजा को भुजा दिखाओ के कई माँ की शंका मिटाओ, के कई माँ की शंका मिटाओ, के कई माँ की शंका मिटाओ। देख भुजा को मगन हुई मन में, देख भुजा को मगन हुई मन में, के कई देख भुजा को मगन हुई मन में, मन ही मन हर साए। अब कैसा जीना लगे ये जीना, जीना जीना भाए। अब कैसा जीना लगे जीना, जीना भाए। और भैया इस गीत की आखिरी लाइन कहना है, सुना अवध है सुना है रघुकुल, सीता बिना है प्रजा भी व्याकुल, सीता बिना है प्रजा भी व्याकुल, सीता बिना है प्रजा भी व्याकुल। छवि धूमिल है बिन प्रकाश के, छवि धूमिल है बिन प्रकाश के, छवि धूमिल है बिन प्रकाश के, अमर श्याम बन आए। अब कैसा जीना लागे ये जीना, जीना जीना भाए। अब कैसा जीना लागे ये जीना, जीना जीना भाए। चाहूं मेरी मर्जी ना, ए भैया जीना चाहूं मेरी मर्जी ना, रवि भैया जीना चाहूं मेरी मर्जी ना, जीवन ये जल जाए। अब कैसा जीना लक्ष्मण ने कहा, जीना जीना अब कैसा जीना लागे ये जीना, जीना जीना भाई। अब कैसा जीना लागे ये जीना, जीना जीना भाई। जयकारा शेरावाली दा।